हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। यूपी टेट, सी टेट और टीचर एग्जाम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना दोस्तों मुझे। देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। आप देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया लॉरेंस कोहलर बर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलर बर्ग ने। इसके प्रतिपादक भी लॉरेंस कोहलर बर्ग हैं। इन्होंने हाइजन नामक करेक्टर को बताया या चरित्र को बताया। और इसके आगे देखते हैं नैतिक विकास के दो, इन्होंने नैतिकता नैतिकता को दो प्रकार से बताया। नैतिकता को दो प्रकार से बताया। नंबर वन, शंका के आधार पर नैतिकता। दूसरा बताया तर्क के आधार पर नैतिकता। और इसके आगे देखते हैं नैतिक विकास की तीन अवस्थाएं इन्होंने बताई। नंबर वन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरी है पश्च पारंपरिक नैतिक अवस्था, तीसरी है पारंपरिक अवस्था, तीसरी है पश्च पारंपरिक अवस्था। इन्होंने पूर्व पारंपरिक अवस्था में बताया 3 से 0 से 0 से 3 वर्ष की अवस्था को बताया। नंबर सेकेंड है दोस्तों, नंबर सेकेंड बताया है, नंबर सेकेंड है 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष होता है। नंबर सात है दोस्तों, नंबर सात है 12 से 15। इन्होंने इस प्रकार से बताया। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल टीचर एग्जाम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना।